आज वसई से बिहार जाने के लिए दो ट्रेन छोड़े, लेकिन ऐसे काफ़ी लोग हैं जो लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, जो यूपी से है, उनको कब ट्रेन है उसके बारे में कुछ खबर नहीं रहती। लोग एक एक दो दो दिन से यहां पे आके ट्रेन मिलने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ, आप देख सकते हो इसमें बच्चे हैं, महिलाएँ भी काफ़ी है, वो लोग सिर्फ अपने गाँव जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ रूम का भाड़ा नहीं भर सकते, यहाँ उनके पास कुछ काम धंधे का साधन भी नहीं है, ना ही कुछ उनके पास खाने का सामान है। और ऐसे में अगर सनसिटी ग्राउंड में बैठते हैं तो पुलिस प्रशासन उनको बैठने नहीं देते, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी करते हैं। हम देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में ऐसे अलग अलग जगह पे काफ़ी मजदूर जो है वो अपने परिवार के साथ बैठे हैं। सरकार ने जल्द से जल्द इनके बारे में सोचना चाहिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन छोड़ के इन लोगों को किस तरह से राहत दे सकते हैं उसके बारे में देखना चाहिए। आप देख रहे हो कि हर रास्ते के किनारे में आपको काफ़ी मात्रा में ऐसे लोग दिखाई देंगे जो गाँव जाना चाहते हैं। उन लोगों से जब हम लोगों ने बात किया तो इनका कहना है जब तक हम लोगों को ट्रेन नहीं मिलेगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है, ना ही हमारे पास कुछ काम धंधा है, और वहाँ रूम का भाड़ा भी हम लोग नहीं भर सकते, और परिवार के साथ यहाँ पे आए काफ़ी मुसीबत वो लोग उठा रहे। तो सरकार ने जल्द से जल्द यूपी के लिए जितने हो सके उतने ट्रेन छोड़ना चाहिए। ये लोग जहाँ बच्चों के साथ और अपने महिलाओं के साथ यहाँ बैठे उनके खाने की रहने की भी सुविधा करना चाहिए। यहाँ महिलाओं के लिए ना ही कुछ पानी की व्यवस्था है, बच्चों के लिए कुछ पानी की व्यवस्था है, ना ही उनका टॉयलेट बाथरूम की कुछ व्यवस्था है, और इस धूप में इन लोग अपने गांव जाने के साथ जो पूरा मुसीबत है वो मुसीबत भी उठा रहे हैं। तो सरकार ने जल्द से जल्द इनके बारे में सोच के इनको किस तरह से राहत दे सकते हैं उसके बारे में देखना चाहिए।